forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो आज हम 1 बजे से अपना ब्लॉग चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारे खेत में हुआ है दाल, वो हमें तोड़ना था। जो उड़द की दाल होती है वही हमारे खेत में हुआ था, वही हम तोड़ रहे थे। तो आज हम बनाएंगे जो मूंगफली होती है उसकी बर्फी बनाएंगे हम। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो आप लोग एक ही बार सब्सक्राइब करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपना। और हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो हम चलिए दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कितनी बारिश हो रही है आज। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे बारिश आज सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है। हमारा मूंगफली भुजा गया है, इसे हम ठंडा होने देते हैं ताकि इसका छिलका हम अच्छे से निकाल सकें। और तब तक हम अपने सीरे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 गिलास पानी लिया है, तो उसमें हम 1 कटोरी के लगभग चीनी को डाल रहे हैं हमारे सीरे के लिए। तो इसे हम पकने देते हैं और तब तक हम मूंगफली का छिलका उतार लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, मैंने इसका मूंगफली का सारा छिलका निकाल दिया अच्छे से। हमें छिलका एक भी नहीं रखना है इसमें। अब हम इसे मिक्सर की जार में डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने मिक्सर की जार में डाल दिया है, अब हम इसे पीस लेते हैं। और इसे डायरेक्टली नहीं पीसना है, रुक रुक के पीसना है, नहीं तो ये तेल छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो मूंगफली था उसका पाउडर हमने बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख लिया है और जो हमने सीरा बनाया था वो हम इसी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा बर्तन है। तो सीरे को हम थोड़ा सा और पका ले रहे हैं, ठंडा हो गया था हमारा सीरा, तो इसे 10 मिनट हम और पका ले रहे हैं ताकि इसका एक तार छूटने लगे। और यहाँ मैं मिल्क पाउडर मैंने लिया है थोड़ा सा, 1 कटोरी से आधा है, तो वो भी हम इसी में ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा थोड़ा करके हम सीरे में डालेंगे इसे। देख सकते हैं हमारा बर्फी बनने के लिए बैटर हमारा वो कर रहे हैं। हम इसे 10 मिनट तक ऐसी सीरा में डाल के पकाएंगे इसे। तो हमें ये ऐसे चलाते रहना है इसे, ताकि हमारा ये जो बर्फी है वो बनने के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं इलायची डाल रही हूँ, जो इलायची के दाने होते हैं फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक थैली को लिया है जो कपड़े करके आते हैं, और उसमें हम देसी घी लगा देंगे थोड़ा सा। ये बेलन में भी हम देसी घी लगा देंगे, लगा लेना है देसी घी। तो यहाँ पे हमारा वो बर्फी जमाने के लिए बन चुका है ये। इसे थोड़ा ठंडा करके हम इस पे डालेंगे, हल्का ही ठंडा करेंगे, नहीं तो ये फिर जमने लगेगा। तो नहीं पता चल रहा होगा, तो आप लोग ऐसे करते until you break.
breakdown. They said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Go to the place where all this began. तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बर्फी थी जो काजू कतली के जैसी होती है वो हमने आज बनाया था और दो चीजें उसे बन गया और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो हमारा बन के रेडी हो गया ये बर्फी, आइए आप लोग भी खा लीजिए।